Good morning everyone. Welcome to Edu Sai Teach classes, and we are moving forward with our another text towards the DSSSB DGT English exam. In today's session, we are going to dive into another part of the text Mahabharata from the Indian classical literature section of Delhi University English Honors syllabus. We have already covered two parts. First part was the dicing, and second part was the sequel to the dicing. Okay. Now, in this session, we are going to cover this part, the temptation of Karna. Okay. But before this, I want to ask some questions. It will be our quick revision. Okay. So please answer these questions. आपको आते या नहीं आते आपको ये चेक करना है कि महाभारत से जो भी हमें लगता है कि इम्पोर्टेंट है या फिर टेम्पटेशन ऑफ करना को करने से पहले हमें ये करना है, पता होना चाहिए. चेंज करते हैं, ठीक है. नाउ महाभारता इज रिटन बाय वेदव्यास. इन विच लैंग्वेज? संस्कृत. यस. इन विच सेंचुरी? जल्दी से बताइए. टाइम पीरियड आपको याद रखना है. 400 BC to 400 AD. Okay. महाभारत is an epic. What is epic? इसकी characteristics बताइए. Yes. Grand. Large setting होनी चाहिए. Setting, events, characters. Okay. Then hero. हेरोइक डेट्स होनी चाहिए. डिवाइडेड इन बुक्स. महाभारत कितने बुक्स में डिवाइडेड है? यस. महाभारत इज डिवाइडेड इन 18 बुक्स और ईच बुक इज नॉन एज पर्वस. ओके. एपिक में सुपरनैचुरल बीइंग्स, यहाँ पर इंटरप्ले होता है किसके बीच? बिटवीन ह्यूमंस एंड गॉड्स और सुपरनैचुरल बीइंग्स. ओके. और कुछ चीजें जो मिस कर रहा है? यस, वेरी गुड. रिमोटनेस. एपिक इंस्टेंट पास्ट के बारे में बात नहीं करता, बल्कि देयर मस्ट बी अ सेंस ऑफ रिमोटनेस कि ठीक है काफी टाइम पुरानी बात है. बैटल. यस. ट्रूप्स. Long speeches. Yes. Important part और यहाँ पे रख सकते हैं. Medial is epic को बीच से शुरू किया जाता है. In middle, in between. ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल शुरुआत से शुरू करके वो इतनी आगे गई है. आधी चीजें हो चुकी होती हैं. For example, आप महाभारत भी कर रहे हैं तो हमने ये नहीं देखा बिल्कुल शुरू से कब उनका जन्म हुआ, ये हुआ. बिल्कुल शुरू से ही जाने पर महाभारत में बैटल की बात है. मेन चीज द वॉर ऑफ कुरुक्षेत्र. ओके. सो ये हमारा एपिक था. ये कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं. अगर आपने एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हो तो ये नॉर्मली सभी में आते हैं. तो आप इस चीज़ को प्रिपेयर करो तो आपको ये याद रखना है. महाभारत से रिलेटेड चीज़ें 18 बुक्स हैं. प्रवास कहा जाता है. वेदव्यास ने लिख के संस्कृत में कंपोज है ये सेंचुरी है. यहाँ पे प्रवास की बात करते हैं. रेगिस कर देते हैं. अच्छा, इससे पहले आप मुझे बताइए महाभारत में किन दो सेक्शंस और कैसे दो डिफरेंट क्लैंस के बीच में लड़ाई थी? हाँ जी, वे कजिन्स थे. यस. नाम बताइए. यस. द पांडवास. दूसरी साइड कौन थे? कौरवास. वेरी गुड. कौन सी रेस से थे? प्लूनर. ओके. लेट्स कम टू आवर टॉपिक, द टेम्पटेशन ऑफ करना. अभी मैंने बात की, परवास कहता है हर पार्ट को, हर बुक को. तो जो डाइसिंग था वो कौन से पर्व के बारे में बात करता है? क्या नाम था उसका? सभा पर्व. ओके. तो ये दोनों ही इसमें आएंगे. एंड द टेम्पटेशन इज अबाउट उपा पर्व. ओके. इज इन उपा पर्व. द टेम्पटेशन ऑफ करना पे आने से पहले हम इसकी शॉर्ट समरीज डिस्कस कर लेते हैं. ओके. तो यहाँ पर कौरवास ने दुर्योधन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दुर्योधन अपने पिता, अपने फादर धृतराष्ट्र को कन्विंस करता है कि आप खंडवा फॉरेस्ट पांडवास को दे दीजिए। पांडवास वो लेते हैं और कृष्णा और मिस्टिकल एलिमेंट्स के साथ मिलकर उसको बड़ा ही ग्रैंड और आलिशान असेंबली हॉल क्रिएट करता है, बिल्ड करता है, इंद्रप्रस्थ सिटी को बिल्ड करता है, इंद्रप्रस्थ सिटी। वहाँ पे सबको इन्वाइट करता है, वहाँ पे दुर्योधन भी आता है। दुर्योधन आने पर वहाँ पर लोटस टेम्पल होता है, तो मीन्स वहाँ पे मिस्टिकल एलिमेंट्स यूज़ किए हैं, तो नॉर्मल सी चीज़ें वहाँ पे इल्यूजनरी एलिमेंट्स होंगे। तो उस इल्यूजनरी एलिमेंट्स की वजह से दुर्योधन आपको ह्यूमिलेशन फील करना होता है, ह्यूमिलेटेड हो जाता है, वहाँ पर ऑफेंडेड फील करता है, एम्बेरसमेंट होती है। तो इसी चीज़ का रिवेंज लेने के लिए वे वापस अपने घर जाते हैं हस्तिनापुर। वहाँ जाके डिसाइड करते हैं कि हम इसका रिवेंज लेंगे, और वो कैसे लेंगे कि द डाइसिंग गेम कंडक्ट कराते हैं। वहाँ पर युधिष्ठिर को बुलाएंगे, उनको पता होता है कि युधिष्ठिर उसमें नहीं, ट्रिक्स में नहीं वर्क करेंगे, एंड शकुनि विल विन द गेम। ये सब उनका प्लान होता है। ये हमारी द डाइसिंग की कहानी थी। द डाइसिंग में दोबारा से गेम खेलता है। डाइसिंग में क्योंकि जो इंसल्ट की होती है उन्होंने पांडवास की, अब उन्हें लगता है कि अगर उनको नॉर्मली जाने दिया तो फिर उसको अरेंज करेंगे, तो इससे अच्छा है कि हम उन्हें दोबारा से एक बार गेम खिलाते हैं। और उसमें कंडीशंस लगते हैं कि जो भी इस गेम को हारेगा वो 12 साल के लिए कहाँ चले जाएंगे, एक्साइल पर। एंड जो 13th ईयर होगा वो 13th ईयर उनका डिसगाइज में होगा। ओके, एक कंडीशन ये भी थी कि डिसगाइज में होने पर अगर कोई भी उन्हें पहचान लेता है, तो उन्हें वापस से 12 साल के लिए वनवास पर जाना होगा। ठीक है, यहाँ तक खत्म है हमारा द डाइसिंग एंड द सीक्वल टू डाइसिंग। अब हमारी शुरू होगी थर्ड पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे द टेम्पटेशन ऑफ करना। ठीक है, तो मैं इसको रफ करती हूँ। आप बताइए आप इस टाइटल से क्या ही समझ रहे हो। द टेम्पटेशन, टेम्पटेशन की मीन्स क्या होती है? हाँ जी, एंड वॉज करना। यस, यहाँ पर डिस्कस करते हैं टेम्पटेशन ऑफ करना। टेम्पटेशन का मतलब आप किसी को लालच दे रहे हो, किसी को आप लुभावनी चीज़ें शो कर रहे हो कि ठीक है आप एल्योर करने की ट्राई कर रहे हो कि वो मान जाए किस चीज़ का। ओके, मुझे लालच देना होता है। अब यहाँ पे करना की बात आती है, तो वो करना, करना के बारे में आपको पता होना चाहिए। बताइए करना पांडव था या फिर कौरव? यस, अगर आप उनकी लीनियस देखोगे तो यहाँ पर पता चलेगा कि वो पांडवास थे, पर ये साइड किसके थे? कौरवास। ओके, तो कौरवास की साइड क्यों थी और इसको देख लेते हैं। कर्णा कुंती के सन है। ओके, कुंती एंड सन, और कुंती एंड सन बोल। ओके, शादी से पहले कर्णा का जन्म होता है। अब बिकॉज ऑफ सोसाइटल प्रेशर वो उनको छोड़ देती हैं। अब कर्णा को जो पालते हैं, जो अपब्रिंगिंग करते हैं, वो तो उनके फोस्टर फादर, और जो उनके फोस्टर फादर होते हैं वे सुता होते हैं। ओके, मीन्स उनके स्टेटस से लोअर स्टेटस के फादर होता है जो उनको पालते हैं। यहाँ पर कुंती की शादी बाद में पांडु से हो जाती है, एंड दे हैव 5 चिल्ड्रन, 5 ब्रदर्स: युधिष्ठिर, भीमा, अर्जुन, सहदेव, नकुल। ओके, क्योंकि इन सबको अपना स्टेटस मिला हुआ होता है। कर्णा को उनके फोस्टर फादर ने फोस्टर फादर की अपब्रिंगिंग करता है। कर्णा को वो स्टेटस नहीं मिलता जो यहाँ पे पांडवास को मिला हुआ है। नाउ कम, यहाँ पे जब कर्णा को, कर्णा के फादर ने उनको रेंट किया हुआ होता है एक आर्मर एंड इयररिंग्स, जो इनको कौन क्या बनाता है? इनविंसिबल। इनविंसिबल व्हाट डज इट मीन? कि कोई भी कर्णा को नहीं हरा सकता, क्योंकि यहाँ पे खुद गॉड ने एक आर्मर प्रोवाइड किया हुआ है, इयररिंग्स है, तभी उनका नाम कर्णा पड़ेगा। ओके, यहाँ पे चीजें पता चल चुकी हैं। कर्णा कुंती के बेटा है, मीन्स ब्रदर ऑफ पांडवास, सन ऑफ गॉड है। यहाँ पर उनके पास एक आर्मर है, एक इयररिंग्स है, इनविंसिबल है, कोई इनको नॉर्मली नहीं हरा सकता। अगर कभी भी वॉर होती है, इनके लिए प्रोफेसी भी हुई भी होती है कि जो इनका व्हील है लास्ट में, उसी की वजह से, अगर हमें एक्जैक्ट स्टोरी नहीं पता व्हील की, पर इसकी वो वॉर में जो बैटल होगा वहाँ पे वो धस जाएगा, और उसी की वजह से अगर इनको कभी डिफीट फेस करनी होगी तो उससे होगी। यहाँ पे हमारा करना का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। जो इनको आपको पता होना चाहिए वो सब हमने कवर कर चुके हैं। सो लेट्स कम टू दिस टॉपिक, टेम्पटेशन ऑफ करना। यहाँ पर आपको टेम्पटेशन की भी मीनिंग पता चल चुकी है, एंड करना की भी। करना का आपको पता चल चुका है करना कौन थे, किसके बेटे थे, स्टेप ब्रदर थे, नॉट एक्सैक्टली स्टेप ब्रदर, बट यस यू कैन यूज दिस टर्म। हाँ जी, द डाइसिंग गेम सभा पर्व थे, एंड द टेम्पटेशन ऑफ करना कहाँ से? उपा पर्व से। अब हम इसकी कोई समरी कर लेंगे। समरी से क्वेश्चन नहीं आते, बस आपकी एक नॉलेज अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए हमने सारी चीज़ें कर लेता है समरी से। जो मेन क्वेश्चन हैं वो हम कवर कर चुके हैं, लाइक महाभारत किसने की थी, कैसे की थी, कहाँ हुआ था, क्या रिलेशन थे, कौन क्या था, ओके। और जो क्वेश्चन होंगे हम उसको एमसीक्यूज में कर लेंगे। द टेम्पटेशन ऑफ कर्णा इन दिस उपा पर्वा कृष्णा परसवेड्स, यहाँ पे कृष्णा आ रहे हैं परसवेड करने के लिए, कन्विंस करने के लिए कर्णा टू अबैंडन दुर्योधना एंड अलाइव विद पांडवास। वो कहते हैं कि अब कृष्णा पांडवास के साइड, ओके, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। एंड कर्णा किसके साइड है? कौरवास के साइड। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या लालच उन्हें देते हैं जो कवर अप करने होते हैं, ओके, जो हमें देखना है यहाँ पे। कृष्णा से कहता है, कन्विंस करता है कर्णा कि उसकी साइड छोड़ दीजिए। एम्प्लॉय साइकोलॉजिकल, अब यहाँ पे साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजीज क्यों यूज़ किया आपको देखो। जो कर्णा है वो पांडव थे, लेकिन उन्हें एक स्टेप फादर जो थे उनके फोस्टर फादर थे, उन्होंने पाला है, मीन्स उनको वो स्टेटस, वो आइडेंटिटी नहीं मिली कि कहीं ना कहीं वो आइडेंटिटी के लिए हमेशा डिजायरस रहे हैं, स्ट्राइव करते रहे। तो उन्हें पता है, हर किसी को पता है कि उनकी साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजीज से हम कैसे अपनी तरफ कर सकते हैं, कैसे अपील कर सकते हैं। तो कर्णा की डिजायर्स पता है, पर्टिकुलरली हिज नीड फॉर आइडेंटिटी। अब कृष्णा को पता है कि इसको आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा रहती है कि मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे आइडेंटिटी क्यों नहीं प्रोवाइड की गई। उनकी एस्पिरेशन की डोमिनेट करना है, उनको हमेशा रहता है कि इन पांडवास को डोमिनेट करना है मुझे, क्योंकि मेरा स्टेटस कहीं ना कहीं इनको भी मिल रहा है, वो स्पेशली अर्जुन को। अब अर्जुन को क्यों करना है उनको स्पेशली, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। कृष्णा फर्स्ट इन्वाइट्स करना टू हिज चैरिट, वो कहते हैं कि अच्छा तुम मेरे चैरिट पे आ जाओ, मैं तुम्हारा चैरिटर हो जाऊंगा। द कन्वर्सेशन विद अ कॉम्प्लीमेंट अबाउट कर्णास एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ द टाइमलेसनेस टीचिंग ऑफ वेदास। वो कहते हैं कि जो उनकी नॉलेज है वो टाइमलेस है, कितना ज़्यादा फायदा होगा उस चीज़ से, या फिर कितना ज़्यादा इंपॉर्ट अच्छा होगा कि तुम उनके चैरिट करो, ये सारी नॉलेज हो, ये सारी चीज़ें वो डिस्कस करते हैं। एट द डिस्कशन प्रोग्रेस कृष्णा सटली शिफ्ट्स टू द फोकस इम्प्लाइंग द पीपल रिगार्ड अ सन एज मोर इंपॉर्टेंट देन अ वुमेन्स प्रेमिनेंस फॉर दुर्योधना। क्योंकि वो कहते हैं कि दुर्योधन से ज़्यादा है कि तुम, हाँ जी वेरी गुड, एक मिनट चाहिए, हाँ जी, तो वहाँ से शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पर वो बताते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वुमेन्स प्रेमिनेंस फॉर दुर्योधना। ड्यूरिंग देयर एक्सचेंज, जब वो बातें कर रहे होता है, कर्णा रिवील्स दैट दुर्योधना वांट्स हिम टू कॉम्बैट। वो बताते हैं कि दुर्योधना जो है वो चाहता है कि तुम अर्जुन के अगेंस्ट में कॉम्बैट करोगे बैटल में। तो यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है कि अच्छा इस एपिक का क्या ही, इस मोमेंट का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो वो नॉर्मली ये चाहते हैं कि तुम अर्जुन के अगेंस्ट में ना ही लड़ो, क्योंकि उन्हें पता है कि दोनों ही पावरफुल हैं, दोनों ही एक दूसरे को टक्कर देने वाले हैं, दोनों का ही लॉस होगा कि दोनों बिना एक दूसरे को से बैटल के नहीं मानेंगे। कर्णास करेज एंड स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट अ मेजर थ्रेट टू पांडवास। वो कहते हैं कि जो कर्णा की पावर्स है, जो करेज है, जो स्ट्रेंथ है, वो पांडवास के लिए एक थ्रेट है, ओके, ये उनके लिए एक थ्रेट है। ये ही इज एन अनबीचेबल क्षत्रिया, क्योंकि हमें पता है कि इनविंसिबल है, तो आप इसको ईजिली बीट नहीं कर सकते बैटल में। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या है, एक आर्मर है जो किसने दिया है, उनके फादर या सन गॉड ने दिया है। एक इयरिंग्स है उनके पास जो उन्हें क्या बनाता है, इन्विंसिबल बना देता है। तो वो कहते हैं कि अगर तुम्हारी पावर को एनकाउंटर करने लगे वहाँ पर, तो वो इजीली नहीं है, हम उसे बीट नहीं कर सकते। तो वो चाहते हैं कि तुम वहाँ पे ना ही वॉर में पांडवास के अगेंस्ट ना लड़ो, क्योंकि कौरवास को तो ईजिली डील कर सकता है, पर कर्णा को ईजिली डील करना इज नॉट पॉसिबल। नेवरदलेस कृष्णा स्ट्रगल्स टू स्वेट कर्णा, लेकिन वो फिर भी ट्राई करता रहता है कि ये करो, आप ये मत करो, उनको टेम्प्ट करता है डिफरेंशिएशन। विद दिस माय कृष्णा आस्क वेदर अ प्रोस्पेक्ट ऑफ किंगडम प्रेजेंट अट्रैक्ट हिम। वो पूछता है कि अच्छा जो मैंने तुम्हें इतना बड़ा किंगडम देने की बात करूं, अगर मैं, क्या तुम्हें ये ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होगा। ड्रॉइंग अटेंशन टू इश्यूज ऑफ मैरिज एंड पेरेंटेज, वो बताते हैं कि मैरिज के पेरेंटेज की बातें करता है। पेरेंटेज की बात हम कर चुके हैं कि वो कौन थे, किसके बेटे थे, किससे उनका क्या रिलेशन था। सिंस कर्णा वाज बॉर्न बिफोर कुंतीज मैरिज, कि वो शादी से पहले, पांडव की शादी से पहले उनका जन्म हुआ था। दैट ही इज द एल्डेस्ट ऑफ पांडवास, और अगर इस हिसाब से देखो तो वो पांडवास में एल्डेस्ट है, सबसे बड़ा भाई है। एंड वो इन्वाइट करता है कर्णा को, अच्छा ठीक है आओ अपने थ्रोन को क्लेम करो, ये तुम्हारा है। एश्योर करता है कि जो पांडवास होंगे वो स्टैंड बाय साइड, कि जो पांडवास हैं ये फाइव, ये तुम्हारे साइड में खड़े होंगे, तुम उनके हेड होंगे। कृष्णा विविडली पेंट्स सिनेरियो, वहाँ पे पूरा का पूरा सीन क्रिएट कर देता है इमेजिनेशन में ही, कि देखो कैसा लगेगा तुम्हें कि जो पांडवास हैं वो तुम्हें रिकॉग्नाइज करेंगे एज देयर एल्डर ब्रदर। ही अंडरस्टैंड्स द थॉट ऑफ पांडवास, वो कहता है कि तुम सोचो कि पांडवास सर झुका के खड़ा है तुम्हारे सामने, कि ये तुम्हारी एस्पिरेशन है डोमिनेट करना है पांडवास को, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, वो फुलफिल हो जाएगी तुम्हारी डिजायर। एडिशनली ही एम्फसाइजेस दैट नॉट ओनली वुड द पांडवास ऑनर हिम, और ये भी कहता है, ऐड करता है कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ऑनर नहीं करेंगे, बट अदर एलाइज, बल्कि जो पांडवास की साइड हैं वे सभी तुम्हें अपना हेड मानेंगे, ओके, इंक्लूडिंग अभिमन्यु सन ऑफ कुंतीज वुड ऑल्सो पे देयर रिस्पेक्ट। मतलब जो भी उनकी साइड है पांडवास की साइड, फिर वे सब तुम्हारी साइड हो जाएंगे, सब तुम्हें रिस्पेक्ट पे करेंगे। कृष्णा इलेबोरेट्स ऑन ग्रैंड्यूर ऑफ कर्णास कोरोनेशन, वो कोरोनेशन की बात करते हैं कि कितना ज़्यादा ग्रैंड होगा। वो प्रॉमिस करता है कि जो नोबल वुमेन है, प्रिंसेस, ये सब के सब हमारे लिए गिफ्ट्स, गोल्ड, सिल्वर, सीक, हर्ब्स, सीड्स, हर्ब्स एंड जेम्स, वहाँ पे सब कुछ आपके पास होगा। मतलब ऑल डिजाइन टू एंटाइज करना, कि बस करना को टेम्पटेशन और वो मान जाए, ओके, किस चीज़ से, रॉयल स्टेटस। तो यहाँ पे देखो आप किस किस चीज़ से हुआ है, वहाँ पेरेंटेज की बात करते हैं, किंगडम की बात करते हैं कि इतना बड़ा किंगडम होगा, आइडेंटिटी मिल जाएगी, ओके। आइडेंटिटी के बाद किस चीज़ की बात करते हैं यहाँ पे, प्लस रॉयल स्टेटस, डोमिनेट करोगे पांडवास को, रिटर्न में क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से किस चीज़ का लालच करना को नहीं मिला था, या फिर किस चीज़ का लालच दिया गया था, कैसे कैसे उनको टेम्प्ट करने की ट्राई की गई थी, कि क्या क्या डिजाइन था। नोइंग दैट कर्णा इज एनवियस ऑफ अर्जुनाज एबिलिटीज, अब कृष्णा को यह भी पता है कि जो कर्णा है हमेशा एनवियस रहता है अर्जुना की एबिलिटीज से, ठीक है, जो अर्जुना को प्रिविलेजेस मिले हुए हैं उन सब चीज़ों से वो एनवियस रहता है। कृष्णा एसर्ट्स दैट इफ कर्णा असेंड टू द थ्रोन अर्जुना वुड सर्व हिज चैरिटर, वो कहता है कि अगर तुम थ्रोन पर आ जाते हो तो अर्जुना तुम्हारा चैरिटर हो जाएगा। एंड भीमा जिसने तुम्हारी इंसल्ट करी थी फोस्टर फादर की, कर्णास फोस्टर फादर ड्यू टू हिज कास्ट, जो भीमा है जिन्होंने तुम्हारे फादर की इंसल्ट की थी कास्ट की वजह से, वो एक कंपेरिजन लेकर तुम्हारे ऊपर खड़ा रहेगा। ही एश्योर्स दैट दे वुड ऑलवेज बी एट सर्विस, कि वो हमेशा ही तुम्हारी सर्विस में होंगे। तो कैसा रहेगा तुम्हें, वो ऐसे लालच दे रहा है कि देखो सब कैसे तुम्हारे गुलाम मिल जाएंगे। डिस्पाइट बीइंग अ बोर्न असुता, कर्णा हैज लॉन्ग ट्राइड टू कनेक्ट विद द क्षत्रिय आइडेंटिटी। Okay, so उसने बोर्न होने के बाद वो हमेशा अपनी इस आइडेंटिटी के लिए, फिर वो लोअर कास्ट थी, मैंने हमने ऊपर डिस्कस किया था, सुना उनके फादर की कास्ट थी, ठीक है, क्षत्रिय आइडेंटिटी को पाने के लिए वो कैसे हमेशा ट्राई करता रहा है, क्योंकि आर्चरी के लिए उन्हें मना कर दिया था गुरु द्रोणाचार्य ने, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज कास्ट और बिकॉज ऑफ हिज स्टेटस, कि फॉस्टर फादर के प्रोफेशन के अकॉर्डिंग तुम आर्चरी नहीं सीखोगे। कृष्णा एम्स टू ईज कर्णास फीलिंग, वो ट्राई करता है कि फीलिंग को शांत करें, इन्फीरियरिटी को कहता है कि तुम्हें इन्फीरियर जो स्टेटस मिला है, जो तुम्हें ये फील करना पड़ जाता है हर जगह इन्फीरियरिटी, तो कहते हैं कि तुम्हें ये भी नहीं फील करना पड़ेगा, बल्कि जितने भी ब्राह्मण्स हैं, जितने भी आपसे ज़्यादा स्टेटस के लोग हैं, वे सब तुम्हें कॉन्सेंट्रेट हिम। मोर ओवर कृष्णा टेंटलाइज करना विद द अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर वो इस अपॉर्चुनिटी को भी ले आते हैं कि ठीक है, यू विल ऑल्सो शेयर अ बेड विद द्रौपदी, क्योंकि करना है डिजायर। अब यहाँ पे इसकी चीज़ को क्यों लाए, क्योंकि जब वहाँ पे द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था तो करना पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए थे वहाँ पर। द रीज़न इज कि वो उनके रॉयल स्टेटस से मैच नहीं करते थे, उनकी कास्ट, उनकी लोअर कास्ट की वजह से उनको वहाँ पर नहीं करने दिया था, जो कि फोस्टर फादर की कास्ट थी, एज कंपेरिजन पांडवास, तो वहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, कंप्लीट ही नहीं किया था। तो वो कहता है कि तुम्हारी भी डिजायर होगी, लेकिन अगर देखो तुम यहाँ पे पांडवास ना चाहते हो तो 6 पांडवास हो जाओगे, फिर तुम इक्वली शेयर कर पाओगे। नाउ कृष्णा ऑफर्स हिम द चांस टू क्लेम द्रौपदी विदाउट स्ट्रगल, कहता है कि अब तुम्हें स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ेगा, पहले तो यहाँ पर तुम्हें कंप्लीट करना पड़ रहा था, लेकिन अब वो भी चीज़ खत्म हो जाएगी और तुम्हें विदाउट एनी स्ट्रगल यू कैन ऑल्सो हैव दैट चांस टू क्लेम हर। अल्टीमेटली कृष्णा इज इंटेंशन बिहाइंड, पर यहाँ पे सारी चीज़ें जितने भी उन्होंने टेम्पटेशन के लिए चीज़ें यूज़ की, उनके पीछे मोटिव क्या था, वट वॉज द मोटिव, कि ये वॉर कहीं ना कहीं जाके रुक जाए, ठीक, प्रिवेंट रहे, उनसे प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे लोगों को, जो मतलब इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होने वाली थी वॉर, वो उसको रोकना चाह रहे थे, ओके। तो उनका जो इनिशियल मोटिव था वो सिर्फ यही था कि वो इस वॉर को रोक सके। ही रिकग्नाइज दैट कर्णा इज वाइटल एसिड इन द कॉन्फ्लिक्ट, उन्हें ये भी पता था कि जो कर्णा है वो वाइटल एसिड है इस कॉन्फ्लिक्ट में, तो परसुएट करने की ट्राई करते हैं और उसको जो कोर्स होने वाला है उस इवेंट को ट्राई करते हैं कि उसको अल्टर कर सकें, चेंज कर सकें, लेकिन कर्णा डिटरमिन रहता है, किस लिए, क्योंकि इतने सारे टेम्पटेशन भी ऐसा नहीं लगता कि ठीक है मुझे मना सकता है, वो डिटरमिन क्या है कि आई विल कॉम्बैट अगेंस्ट पांडवास एंड कुरुक्षेत्र वॉर, क्योंकि उन्होंने दुर्योधना को प्रॉमिस किया है। दुर्योधन को प्रॉमिस क्यों किया, दुर्योधन जब इनको हर जगह एम्बेरसमेंट फील करा देते थे कि तुम्हारे फोस्टर फादर की कास्ट अलग है, तुम कभी कंप्लीट नहीं कर सकते, तुम आर्चरी नहीं सीख सकते, तो यहाँ पे दुर्योधन कहते हैं कि आई विल प्रोवाइड यू द स्टेटस यू वांट। तो दुर्योधन उनको किंगडम प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से जब किंगडम उनको मिल जाता है तो एक स्टेटस आ जाता है उनके पास में। तो दुर्योधन उनको वो सब चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं जो उनको कहाँ से मिलनी चाहिए थी, जो उन्हें डिजर्व करते थे, जो वे कहाँ से, अपनी मदर कुंती, ब्रदर्स पांडवास, वो कहाँ मिल रही थी उनको, दुर्योधन जो एक कौरवास थे, ओके। तो कर्णा ने तभी डिटरमिन कर लिया था, प्रॉमिस किया था कि जब भी वॉर होगी, कुछ भी होगा, वो किसका साथ देगा, दुर्योधन का। अब क्योंकि ही वॉज ऑल्सो मैन ऑफ वर्ड्स, इसकी एग्जैक्ट मीनिंग होती है कि जो पढ़ा लिखा हो, ओके, लिटरेट, एजुकेटेड, वेल वर्स्ड, तो ये अपने वर्ड से पीछे नहीं जाते, ओके। वचन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, अगर आपने पहले कार्टून्स मूवीज़ देखी महाभारत की, तो उसमें भी ये आता है कि जो वचन है वो उससे पीछे नहीं जाते। तो वो कहते थे कि मैं दुर्योधन को वचन दे चुका हूँ, और फिर दुनिया की कितनी भी टेम्पटेशन मेरे पास आ जाए, किसी कोई भी इतनी नहीं है कि जो मेरे वचन को, मुझे मेरे वचन से पीछे हटने के लिए टेम्प्ट कर सके, ओके। तो यहाँ पे कर्ण मना कर देते हैं, यहाँ पे कुंती भी आकर कहते हैं, वे कहते हैं कि फॉर सेक ऑफ योर, ठीक है, अपनी मदर के लिए, अपने भाइयों के लिए प्लीज़ वहाँ पर जाके तुम उस कॉम्बैट में मत जाओ, लेकिन वहाँ पर मना कर देते हैं कि वचन से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, और तुम लास्ट में सबका मोटिव है, सबके अपने पर्सनल मोटिव्स आ रहे हैं, तो वहाँ से करना मना कर देते हैं रहने के लिए, लास्ट में ये होता है, ठीक है। और फिर जो बैटल होगी महाभारत वॉर की, तो वह उस साइड से ही फाइट करेंगे। यहाँ पर हमारा एंड होता है जो हमने 3 पर्व करे, ठीक है। फर्स्ट हमारा डाइसिंग था, सेकंड सिक्वल टू डाइसिंग था, थर्ड हमारा टेम्पटेशन को करना था। अब हमने इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में एक बार हम देख लेते हैं, क्लासिकल लिटरेचर में हमने क्या क्या कवर कर लिया। कालिदास, शूद्र का, इलंगो एडिकल वेदव्यास। ओके, कालिदास हमारे ड्रामेटिस्ट है, लेकिन फर्स्ट ड्रामेटिस्ट कौन है ये क्वेश्चन आ जाता है। आई विल आस्क यू 3 to 5 क्वेश्चंस, प्लीज आंसर। हु वाज फर्स्ट ड्रामेटिस्ट? यस, फर्स्ट ड्रामेटिस्ट वाज भाषा। भाषा ने कौन सा वर्ड लिखा है? नाट्य शास्त्र। गुड, नाट्य शास्त्र में इन्होंने रसा की भी बात की है। ओके, इनके रसास को आपको देखना है कि कौन कौन से रसास की बात की है। नॉर्मल इंपॉर्टेंट ये होता है कि भाषा हमारे फर्स्ट ड्रामेटिस्ट है एंशियंट क्लासिकल कल्चर में, जिन्होंने सबसे पहले एक वर्क लिखा था नाट्य शास्त्र। उन्होंने उसमें क्या डिस्कस किया था कि कैसे कैसे क्या एलिमेंट्स होने चाहिए ड्रामे में, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें डिस्कस किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 इज, सेकंड क्वेश्चन इज शकुंतला किस सेंचुरी में लिखा हुआ है? जल्दी से बताइए। अभिज्ञान शकुंतलम। इट वाज रिटन, यस, जल्दी से बताइए। स्टेट्स ऑफ कलर, 5th century। ओके, इस चीज़ को याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3, ये जो डाइसिंग गेम हुआ था रीजन क्या था? व्हाट वाज द रीजन कि दुर्योधन ने ये गेम को कंडक्ट कराया था? इसके लिए रिक्वेस्ट की थी अपने फादर से। यस, वेंजेंस। वेंजेंस किसका था? दुर्योधन का। किस चीज के लिए था? हाँ जी, दुर्योधन को बदला लेना था। किस चीज का? जो उसकी एम्बैरेसमेंट, जो ऑफेंड होना पड़ता, जिस वजह से कहाँ पर? इंद्रप्रस्थ में। और डाइसिंग गेम कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर। ओके, हस्तिनापुर से याद आया क्वेश्चन। शकुंतला में जो दुष्यंत थे वो भी महाभारत से लिया हुआ है पार्ट कहीं ना कहीं से। तो जो दुष्यंत थे वो किस कहाँ के किंग थे, जल्दी से बताओ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से। दुष्यंत कहाँ से थे? मैं नाम नहीं लिख रही हूँ, आप कन्फ्यूज हो जाओगे। यस, मगधा नो, हस्तिनापुर। ओके, अभिज्ञान शकुंतलम में जो हीरो था, प्रोटेगनिस्ट थे दुष्यंत, वो कहाँ से थे? हस्तिनापुर से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द्रौपदी क्या क्वेश्चन करती है असेंबली में आने पर? जल्दी बताइए, क्या क्वेश्चन करते हैं जब उसे असेंबली में कौन लाता है? यस, दुशासना। हाँ जी, दुशासना लेकर आता है ब्रैग करके। द्रौपदी क्वेश्चन करती है, whom did you lose first, yourself और मी। ओके, इस क्वेश्चन को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, मृच्छकटिका का इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया था? ये आपको होमवर्क होगा, आप अपना बताएंगे इसको देखकर। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं वी विल डू इन नेक्स्ट सेशन ऑल्सो। अगर आप क्विक रिवीजन चाहिए इन सारे से, जो टेक्स्ट हमने किया है आप बता सकते हो, उसके अंदर हम डिस्कस क्या क्या करेंगे। राइटर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, क्विक रिवीजन होगी, चारों के चारों टेक्स्ट करेंगे। आपको नोट्स भी बनाने हैं उसमें आपको नोट्स बनाने के लिए भी गाइड कर दूंगी कि आपको कैसे बनाना है। एक पेज लीजिए, पार्टीशन कीजिए, उसके अंदर यहाँ पे कालिदासा, शूद्रका, मृच्छकटिका, इलंगो एडिकल। कालिदासा में यहाँ पे उनका कालिदासा कौन थे, जैसे हमने बताया कि जो भी राइटर्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो उनके बारे में कंपोज कब है, किस लैंग्वेज में कंपोज हुई है, सेटिंग कहाँ की थी, कितने एक्ट्स थे, कितनी बुक्स में डिवीजन है, ये सब चीज़ें तो आपकी क्विक रिवीजन हो जाएगी। इफ यू वांट प्लीज कमेंट, लेट मी नो इन द कमेंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट in the next session. Meanwhile, make sure to revise everything whatever we have covered. Don't forget to subscribe to the channel and like the video. If you would like the notes, feel free to let me know. I will share the PDFs either in the community section or in our Telegram group. Please let me know. Thank you and goodbye. Okay, we will meet in next session.